For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. देश भर में दबंग चोर को मिले सक्सेस के बाद अब बारी है नेपाल की। वेल, सलमान खान ने पूरे देश में सफलता के साथ दबंग चोर को पूरा किया, लेकिन अब बारी है नेपाल की। पर वहां पर मायोस पार्टी के विरोध के चलते इसे रिशेड्यूल करना पड़ा। लेकिन अब मीडिया में आए रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में दबंग चोर को रिशेड्यूल करते हुए उसे 26 मई की डेट दी गई है। बता दें, नेपाल में दबंग चोर को लेकर सबसे बड़ी दुविधा वेन्यू की थी। टुंडी खेल के आर्मी पवेलियन को लेकर कई मुद्दे छेड़े गए, लेकिन फिर इस शो का स्केल और इससे इसके टूरिज्म को मिलने वाले बूस्ट को समझने के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। वैसे सिर्फ नेपाल ही नहीं, सलमान अपने दबंग परिवार के साथ जल्द ही USA और कनाडा में भी इस मच लव्ड कॉन्सर्ट को ले जाने के लिए है तैयार। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।